स्टूडेंट्स, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है पोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने इसमें 6 टॉपिक्स करे थे कि एनवायरनमेंट और हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो हाउसिंग किया था हमने, वाटर सप्लाई के बारे में किया था, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट और डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट। और अब हम करेंगे पोल्यूशन। तो पोल्यूशन अलग अलग तरह के हैं। सबसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो पोल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एयर पोल्यूशन। ओके, अब आपने पोल्यूशन का वो सब नहीं लिखना जो आप पहले लिखते थे कि चिमनियाँ होती हैं या आप कह लो कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करना है आपको गैसेस के बारे में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे तभी मार्क्स मिलोगे। अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हो। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को कर रहे हैं। व्हेन एयर पोल्यूटिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एडेड टू द एटमोसफेयर इन लार्ज क्वान्टिटी, दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर होल एनवायरमेंट। ओके, एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। वो कह रहे हैं कि जब एयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनवांटेड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, आप ये कह सकते हो, या वो जो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए एयर में, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, तो हमें हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा अनवांटेड गैसेज या अनवांटेड चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एयर पोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, द होल वेस्ट प्रोडक्ट बींग रिलीज इन टू द एयर आर मोस्टली, जो ज़्यादातर एयर में प्रोडक्ट्स रिलीज किए जाते हैं जिनसे कि एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा है, सबसे पहले तो जो नाम आता है वो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, देन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर एक्सेट्रा, ओके, और एक इन्होंने बोला है लैंड कार्बन सिलिका, डस्ट पार्टिकल्स कंटेनिंग लीड कार्बन और सिलिका, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो धूल मिट्टी के, उसमें क्या क्या मिला होता है, उसमें किस किस चीज़ के, कार्बन के, सिलिका के और लीड वगैरह मिला होता है। तो इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, और वो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी जो है डेंजरस होती है। ओके, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ऑफ लीव्स, वुड एंड कोल इन विलेज एंड सिटीज़, और गांव में और शहरों में जो लीव्स होती हैं, पत्ते वगैरह सड़कों पे इकट्ठा करते हैं, जला देते हैं लोग, लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हैं, और जो व्हीकल्स से और इंडस्ट्रीज से, यानी ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल का यहाँ मतलब आता है व्हीकल्स से। ठीक है, यहाँ जो ऑटोमोबाइल है उसका मीन्स है व्हीकल्स से और इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे आप कह सकते हो स्मॉग वगैरह निकल कर आता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ओके, दस अ लार्ज नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों में भी मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और सल्फर ऑक्साइड वगैरह होते हैं। ठीक है, और वो भी हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा है दिस टॉक्सिस मटेरियल मे कॉज, और इन टॉक्सिस मटेरियल से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन टॉक्सिस मटेरियल से इंसान में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ब्रीथलेसनेस हो सकती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर एक क्रॉनिकल ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अस्थमा हो सकता है, मतलब सारी लंग्स वगैरह से इफ़ेक्टेड, लंग्स कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एयर पोल्यूशन के कारण आती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हैज़ रीच्ड ए क्रिटिकल स्टेज, अब एयर पोल्यूशन एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा हुआ है इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सारी जगह पे। अब दिवाली के आसपास तो अपने यहाँ पे भी कितनी बुरी हालत होती है, स्मॉग चारों तरफ फैला होता है ना, इससे क्या हो गया कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप कह सकते हो, एनवायरनमेंट में जब प्रॉब्लम आती है सिस्टम बिगड़ जाता है, मौसम बदल जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा फैल जाती है सारी जगह, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है, इसे इकोलॉजिकल बैलेंस आप कह सकते हो। दस देयर फॉर अर्जेंट स्टेप आर नीडेड, और इस टाइम पे बड़ी ज़रूरत होती है इस हिजार्ड से बचने के लिए, इस संकट से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और उसके लिए कुछ स्टेप जो हैं वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने स्टेप बताया है, क्या बताया है, इसे करते हैं
इन्होंने कहा है सबसे पहले कि बाय ग्रोइंग ट्रीज नियर द रोड्स एंड नेचुरल क्लीनिंग एयर, रोड्स के दोनों तरफ हमें ट्रीज लगाने चाहिए जिससे कि नेचुरली एयर जो है वो क्लीन हो जाए। दूसरा क्या करना चाहिए, बाय यूजिंग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, हमें बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स लेने चाहिए और पेट्रोल और डीजल के इंजन्स को रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थर्ड कहा है बाय यूजिंग अदर नॉन पोल्यूटिंग वे ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक दूसरी जगह पे जाना है तो नॉन पोल्यूटेड चीज़ों का ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें ई बाइक ले लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक रिक्शा यूज़ करनी चाहिए, उससे कि पोल्यूशन जो है वो कम होगा। बाय रिमूविंग ओल्ड व्हीकल फ्रॉम रोड्स, रोड पे जो पुराने व्हीकल चल रहे हैं जिनमें पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहा है और पुरानों की वजह से उसमें और ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा रहता है तो उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, उसकी जगह पे सीएनजी वगैरह लगवानी चाहिए। और लास्ट इन्होंने बताया बाय फिक्सिंग सुटेबल डिवाइस फॉर एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड एग्जॉस्ट पाइप ऑफ व्हीकल, वो मैं आपको मतलब आप लोग अब जब बड़े लेवल पे जैसे 10th में जाके इस बारे में पढ़ोगे ना एयर पोल्यूशन के बारे में तो उसमें बताएंगे कि अलग तरह की फ़िल्टर और चिमनी लगती हैं किसी भी फैक्ट्री के ऊपर जिससे कि एयर जो है काफ़ी हद तक प्योरीफाई होकर बाहर निकलती है, वो उसी एज इट इज़ अनप्योर एयर बाहर नहीं निकलती है। इस टाइप के पार्टिकल्स पाइप्स में लगाए, इस टाइप के आइटम्स पाइप में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने एयर पोल्यूशन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन को करेंगे। ओके, थैंक यू।